के अलीगंज केमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लोगों का लाखों रुपया लेकर फरार हो गई है। ये सोसाइटी अपने एजेंट्स के जरिए लोगों से पैसा जमा कराकर उसे दोगुना करने का लालच देती थी। जमा रकम की मियाद पूरी होने पर जब जमाकर्ता भुगतान के लिए कंपनी दफ्तर पहुंचे तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वही कंपनी में मौजूद लोगों ने उनके साथ न सिर्फ अभद्रता की बल्कि निवेशक सड़क पर धरना प्रदर्शन करने के लिए भी मजबूर हो गए। मामला ये है कि ये एक कंपनी है जिसका नाम है केमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ये कंपनी अपना ऑफिस जो है आज के 4-5 साल पहले जो है कुशीनगर जनपद के एक तमकुही राज एक तहसील है वहाँ पे ये खोल रखी, और इन्होंने अपना कुछ आईडी एफडी वगैरह का प्लान चला करके और अपना एजेंट नियुक्त किए और एजेंट जा करके लोगों को जो है इनके प्लान समझा करके और जमा किए। और जब इनकी मेच्योरिटी पूरी हो गई कि तो मेच्योरिटी के लिए जब गए तो नियमों का हवाला देने लगे, चेक से पेमेंट होगा तो बैंक में जाएगा, कैश पेमेंट गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, और ये हवाला देते हुए 1 साल तक ये हवाला दिए। और 1 साल बाद जब ये हवाला इनका बंद हो गया तब ब्रांच पे हम लोग आने लगे यहाँ हेड ऑफिस पे, तो हेड ऑफिस से ये लोग कहते रहे कि चाहो अपना अपना लिस्ट दे दो, और सब लोग अपना अपना लिस्ट दे दिए, 15 दिन में पैसा चला जाएगा। 15 दिन बाद पैसा अगर नहीं गया तो फिर 1-2 महीना टरकाए, फिर यहाँ पे आया गया, फिर बोले कि जाओ 15 दिन में चला जाएगा। फिर ये कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। CMD इसका प्रदीप कुमार अस्थाना सर हैं। ये सर मामला है, हम लोग केमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव में काम करते थे, एजेंट थे, हम लोगों का रुपया जमा करवाए हैं और जमा करवा करके इस समय आए हैं पेमेंट के लिए, तो यहाँ से मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है कि जाइए हो जाएगा, आज होगा कल होगा, और पेमेंट होता है। इसी तरह 2 साल से हम लोगों को दौड़ाया जा रहा है सर। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये घोटाला हुआ है। आपको बता दें कि परेशान निवेशकों ने धरना प्रदर्शन किया है। लखनऊ में इसका ऑफिस था। सोसाइटी के खिलाफ घोटाले के कई केस भी दर्ज किए गए हैं। केमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का घोटाले का ये मामला उजागर हुआ है। बताया जा रहा है कि कई करोड़ों का ये घोटाला हुआ है। प्रदीप अस्थाना सोसाइटी के एमडी हैं। तो लखनऊ में इसका ऑफिस स्थित था लेकिन करोड़ों रुपए का गबन करने के बाद फिलहाल वहां से सभी लोग फरार हैं और अब परेशान निवेशक धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि सोसाइटी के खिलाफ घोटाले के कई केस पहले भी दर्ज हैं। प्रदीप अस्थाना सोसाइटी के एमडी हैं। तो फर्जी क्रेडिट सोसाइटी पर आखिर कब तक रोक लगेगी, और इस तरीके के मामले आए दिन उजागर हो रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके की कोई गबन की खबर आई हो। इससे पहले भी कई इस तरीके के घोटाले हुए हैं लेकिन फिर भी आए दिन इस तरीके के घोटाले सामने आते हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है और आखिर इस तरीके के घोटालों पर रोक लगाने में प्रशासन नाकाम क्यों है? फिलहाल अब परेशान निवेशक प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जो परेशान निवेशक हैं, जो उनकी रकम डूबी है उसको लेकर यहां पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, मनीष श्रीवास्तव। मनीष, यहाँ पर क्या कुछ ये पूरा मामला था, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है घोटाले का, बताया जा रहा है कि ये मामला जो है वो छोटा नहीं है और इससे पहले भी कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। इस मामले में अब क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? रश्मि देखिए, उत्तर प्रदेश में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई हड़पना एक नया फैशन बनकर उभरा है। बीते कुछ वर्षों में इस तरह के कई मामले सामने आए। आज ये केमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका संचालक प्रदीप अस्थाना तकरीबन 1 दशक पहले एक मारुति का वर्कशॉप चलाता था, और आज पिछले 10 वर्षों में इसने तकरीबन लोगों से 1,000 करोड़ रुपए ऐंठ लिए हैं। लखीमपुर और कौशाम्बी समेत कई शहरों में इसका नेटवर्क है, और आपको बता दें देश के आधे राज्यों में
ये पूरा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ठगी का जो नेटवर्क है वो चल रहा था। आज जो कौशाम्बी से लोग आए थे वो एक ब्रांच के लोग थे और उनका तकरीबन 2 करोड़ रुपया इसने हड़प रखा है। और प्रदीप अस्थाना के खिलाफ पहले भी कई मामले आए, लेकिन प्रशासन से लेके यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी पर शिकंजा कसने के लिए बाकायदा निबंधक बैठते हैं, रजिस्ट्रार बैठते हैं, प्रशासनिक अमला है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल में जो शारदा घोटाला सामने आया था, ठीक उसी तर्ज पर लखनऊ में ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटियों का पूरा जाल बन चुका है, जिसका मामला कैमुना क्रेडिट सोसाइटी की तरह सामने आ रहा है। कुछ ही दिन पहले विश्वास ट्रेडिंग कंपनी थी जिसके ऊपर भी ये मामला सामने आया था कि कोलकाता से लखनऊ तक हजारों करोड़ रुपए निवेशकों से ऐंठ लिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक के बाद एक FIR हुई, संचालक फरार हैं। इसी तरह कैमुना के खिलाफ शिकायतें आईं लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। इससे पहले SP केशिया, श्रीराम, इस तरह की तमाम क्रेडिट सोसाइटी थी जो लोगों को पैसा डबल और तिगुना करने का झांसा देते हैं, लेकिन जब इस पैसे की मैच्योरिटी पूरी हो जाती है तो इन छोटे लोगों का पैसा वापसी करने से इनकार कर देते हैं और फिर ये लोग इन लोगों के पास अपना पैसा वापस ना मिलते देख प्रशासन से कोई भी मदद नहीं मिलती तो आखिर अंतिम रास्ता केवल आत्महत्या का बचता है। तो अगर कैमुना क्रेडिट सोसाइटी पर भी की ठगी पर शिकंजा नहीं कसा गया तो ये छोटे लोग जिनका पैसा डूबा है कल ये भी जो है आत्महत्या का विकल्प ही चुनेंगे। लेकिन प्रशासन सिर्फ शिकायती पत्र लेता है, उसके बाद सारा मामला फिर से शुरू हो जाता है और कोई भी किसी भी प्रकार का शिकंजा नहीं कसा जाता है। प्रदीप अस्थाना ने बीते एक दशक में जो पैसा गरीबों से ऐठा है इससे कई तमाम संपत्तियां जो है बनाई हैं। इसमें ED को और लोकल एजेंसीज को जुटना चाहिए लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। जी मनीष, यहाँ पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं ये सवाल प्रशासन पर भी है क्योंकि प्रशासन की ही ये लापरवाही है और ये पता लग पाया है कि इनका जो है वो कहीं ना कहीं लाइसेंस बना था कि नहीं बना था। हाँ, इनका दरअसल रश्मि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है 2002 जिसके तहत ऐसी जो सोसाइटियां हैं वो पंजीकृत होती हैं। नियमों के मुताबिक जो पैसा ये गरीबों से या छोटे निवेशकों से लेते हैं उसमें तकरीबन 40% इनको रूरल डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, लेकिन कोई भी निवेशकों का पैसा, ऐसे लोग जो इन छोटे गरीबों से ठगी करते हैं वो पैसा किसी भी सरकारी विकास के कार्यक्रम में नहीं लगाते हैं, ये पैसा लगाते हैं लेकिन उन बिल्डरों के रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स में जहां पे ब्लैक मनी लगती है सीधे तौर पे। तो आप कार्रवाई क्यों नहीं होती है, इसका सीधा सा आपको मैं बता दूं असली सच कुल मिलाकर ये है कि यहाँ पे बड़े बड़े IPS अफसर हैं, IAS अफसर हैं, बड़े बिल्डर्स हैं, इनका अपना एक नेक्सस है और इन्हीं कोऑपरेटिव सोसाइटियों से पैसा गरीबों का लेकर इनके अपने प्रोजेक्ट्स में लगता रहा है। ऐसे कई मामले पहले भी सामने आए लेकिन यहाँ का जो सरकारी तंत्र है उसने कभी किसी भी बड़े मामले पर कार्रवाई नहीं की। आज इसी तरह कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जिसके ऊपर एक्शन होना चाहिए था और ये निवेशक इनका कोई पहला प्रदर्शन नहीं था, इससे पहले भी कई जिलों के लोग आए, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया कि जब हमारा मैच्योरिटी पूरी हो गई है तो आप हमें हमारा पैसा वापस कीजिए, लेकिन इनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और इनकी शिकायत सुनने वाला कोई भी नहीं है। हमारी कई निवेशकों से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो या तो हम आत्महत्या करेंगे या तो हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर जाकर गुहार लगाएंगे। अब देखना होगा कि इस पर प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है। जी मनीष, अब जो परेशान निवेशक हैं जिन लोगों का पैसा डूब गया है उनकी क्या कुछ मांगे और वो क्या कुछ चाहते हैं? अब देखिए, उनका ये कहना है कि हमको एक भरोसा दिया गया था कि हमारा पैसा, वो छोटे छोटे निवेशक हैं, किसी से 100 रुपए रोजाना लिया गया, किसी से 1000 रुपए महीना लिया गया और उनको ये FD के नाम पर ये झांसा दिया गया था कि आपका पैसा 2 गुना और 4 गुना तक हो जाएगा। वो सालों से इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में अपना पैसा जमा कर रहे थे। तकरीबन 12 साल से ये जो इस सोसाइटी का सरगना है प्रदीप अस्थाना, तकरीबन 12 साल से ये धंधा चला रहा है। जौनपुर का एक मारुति वर्कशॉप चलाने वाला आज वर्तमान स्थिति में 1000 करोड़ से बड़ा साम्राज्य अगर खड़ा कर लेता है तो कहीं ना कहीं ये ब्लैक मनी का भी एक मामला है और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि काले धन को लेकर शिकंजा कसा जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो एजेंसियां हैं वो ऐसे बिल्डरों और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने वालों पर पूरी तरह से मेहरबान है।
जी मनीष, परेशान जो निवेशक है वो तो कहीं ना कहीं मांग कर ही रहे हैं और करेंगे ही, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है उसकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्या क्या कहा जा रहा है? रश्मि, मौके पर पुलिस आई थी और पुलिस ने भरोसा दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे और FIR दर्ज कराने की बात भी हो रही है, लेकिन ये सारी कवायद महज कुछ दिनों तक रहती है। निवेशक अपने अपने घरों को लौट जाएंगे, पुलिस ऐसे ठगों से सीधा समझौता कर लेती है और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि इससे पहले भी कई मामले यहाँ पे सामने आए हैं। कुछ ही दिन पहले ऐसी कई एजेंसीज पे FIR हुई है। बहुत ज्यादा अगर हम कार्रवाई की बात करें तो सरकारें यहाँ पे आर्थिक अपराध शाखा है UW, उसको जांच सौंप देती हैं और वो वर्षों तक ऐसी जांचें दबाए रहते हैं और ना जाने कितने निवेशक अंतिम विकल्प के तौर पे आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे जो ठगी के मामले हैं, इसमें सबसे पहला शिकंजा यहाँ पर जो सहकारिता विभाग है, जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है ऐसी सोसाइटीज का, उनको सबसे पहले देखना चाहिए। उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि आखिर इन सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये किस तरह से अपना काम कर रही है, इसकी निगरानी करें। लेकिन वहां के अफसर किसी प्रकार की कोई निगरानी नहीं करते और इनका धंधा बदस्तूर इसी तरह जारी रहता है। मनीष, इस तरीके के मामले सही का आपने पहला नहीं है, कई मामले सामने आ चुके हैं और कई तरीके के जो विकल्प हैं वो भी कहीं ना कहीं जब सामने आते हैं तो लोग कहीं ना कहीं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, फिर भी प्रशासन जो है वो इतना लापरवाह बना हुआ है कि ऐसे मामले आए दिन उजागर होते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मनीष। अब आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है वो पूरा हो पाता है नहीं हो पाता, जो निवेशक है उनका पैसा वापस मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी पुलिस प्रशासन के ऊपर होगा कि वो कार्रवाई कब तक करती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।